मंदाकिनी याद हैं? वही मंदाकिनी जिन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में झरने के नीचे नहाने वाले सीन से तहलका मचा दिया था। 90 के दशक में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली मंदाकिनी ने साल 1996 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन अब 26 साल बाद मंदाकिनी फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। मंदाकिनी अब एक म्यूजिक वीडियो से अपना कमबैक कर रही हैं। इस म्यूजिक वीडियो में मंदाकिनी के बेटे रैबल ठाकुर भी नजर आएंगे। इस वीडियो को साजन अग्रवाल डायरेक्ट करेंगे। वीडियो का टाइटल माँ और माँ है। साजन अग्रवाल ने बताया कि मंदाकिनी मेरठ की रहने वाली हैं। गाना भी एक माँ के बारे में है और इसका टाइटल माँ उमा है। इस गाने के जरिए मंदाकिनी के बेटे डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदाकिनी को डायरेक्ट करने के साथ ही उनका सपना पूरा हो गया। वहीं अपने कमबैक से मंदाकिनी भी बेहद एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि वह साजन अग्रवाल को कई सालों से जानती हैं और अब जाकर दोनों साथ काम कर रहे हैं। मंदाकिनी ने कहा कि माँ वो माँ बहुत ही खूबसूरत गाना है और इसे सुनते ही उन्हें प्यार हो गया था। मंदाकिनी ने बताया कि गाने की शूटिंग इस महीने यानी अप्रैल के अंत में शुरू होगी। मंदाकिनी ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1985 में बॉलीवुड में कदम रखा था। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन राज कपूर ने उनका नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया। राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर मंदाकिनी के हीरो थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी के झरने वाले सीन पर खूब बवाल भी हुआ था। झरने के नीचे वह बेहद ट्रांसपेरेंट साड़ी में नहाती हुई नजर आई थी। हिट डेब्यू के बाद मंदाकिनी के पास फिल्म ऑफर्स की लंबी लाइन लग गई, लेकिन 90 के उसी दशक में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा। दुबई में दोनों एक साथ भी नजर आए थे। ऐसी चर्चाएं थी कि दाऊद और मंदाकिनी एक दूसरे पर फिदा थे। हालांकि बाद में मंदाकिनी ने दाऊद के साथ किसी रिश्ते से इनकार कर दिया था। मंदाकिनी ने 1990 में पूर्व बौद्ध भिक्षु से शादी कर ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। मंदाकिनी और उनके पति तिब्बती योग और तिब्बती हर्बल सेंटर चलाते हैं। न्यूज़ विंग की ब्यूरो रिपोर्ट।